रहा हूँ यहाँ पर। अरे तो पूरे स्वागत की तैयारी। तो यहाँ खड़ी है विक्की की डोमिनार अपनी एवेंजर और रवि की यूएम। तो यूएम में कल एक छोटा सा इशू हो गया, ये जो लेग गार्ड है उसका, ये खुलकर गिर गया, मतलब गिरा नहीं पूरी तरह से, लटक गया था यहाँ से। ये इसकी जगह है, दो नट कसने हैं 12 नंबर के और यहाँ पर इसको फिक्स करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और अभी की अपडेट ये है कि कल हम लोग आ गए थे हिसार, 1 जनवरी 2021 को दरबार साहब अमृतसर में माथा टेका हम लोगों ने और वहाँ से फिर निकले हम लोग दोपहर में करीब 3:30 बजे। तो रात को 9:30-10 बजे हम लोग यहाँ हिसार में आ गए थे। रवि भाई के रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर स्टे करने का प्लान ही था हम लोगों का। अब यहाँ से है बड़वानी 1050 किलोमीटर, तो सेम डे में क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कर पाए तो नया रिकॉर्ड होगा ये 1050 किलोमीटर एक दिन में या फिर एक बार में। हो सकता है रात को हम लोग लेट हो जाएं या हो सकता है हम लोग स्टे करें, तो जो भी होगा आप लोग साथ में हैं, वीडियो में हैं, आप लोगों को पता चलते रहेगा। चाय बन रही है, चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो लेट्स गो बिना देर करे। तो अभी हो गए रेडी, हिसार से निकल रहे हैं गोरा भाई, विक्की, रवि और ये हमारे लक्की भाई और उनकी सिस्टर है, ये हमको बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं। इसी परिवार के साथ आज रुके थे हम लोग और बहुत ही प्यार और सम्मान मिला यहाँ से। तो अब चल रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। फर्स्ट डे के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हिसार में हम लोगों को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। वो सरप्राइज़ ये था कि हिसार में रहने वाले एक बहुत बड़े यूट्यूबर, बहुत ही अच्छे इंसान, इंडिया राइडर अमित भाई, उनसे मिलने वाले थे हम लोग। पर बदकिस्मती है कि भाई आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ पर है नहीं। तो मैंने उनसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करा, मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया था, उस समय वो ले नहीं पाए। पर उनकी अच्छाई देखो, उन्होंने मुझे फिर से वीडियो कॉल करा उधर से और मुझसे बात करी। इतनी खुशी हुई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। पक्की बात है नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो उनसे मिले बिना हिसार से नहीं जाऊँगा। तो ये चल रहे हैं हमारे आगे लक्की भाई और उनकी सिस्टर, ये जा रहे हैं हमें हिसार से बाहर तक छोड़ने। इतना बढ़िया आदमी ने यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। रिलेशन तो इनका रवि से है पर सिर्फ एक रात इनके घर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती का नाता हमारा भी बन गया उनसे। तो यहाँ है हिसार का रिलायंस पंप जहाँ से हम लोगों ने अपने टैंक फुल करा लिए हैं। ओके लक्की भाई, बाय। तो अब निकल रहे हैं हिसार से, बाइक्स हो गई हैं कंप्लीट, हम भी हो गए हैं कंप्लीट। और आज का टारगेट है बड़वानी। जी हाँ, हरियाणा से पूरा राजस्थान क्रॉस करते हुए MP बड़वानी पहुँचेंगे हम लोग। गूगल मैप बता रहा है तकरीबन 28 घंटे लगेंगे हम लोगों को ये 1100 किलोमीटर कंप्लीट करने में, पर हम लोग सोच रहे हैं 22 से 20 घंटे में हम लोग इसे कर लें। तो देखिए, रास्ता नया है, मतलब नया ऐसे मीनिंग हम लोग इस रूट पर कभी आए नहीं हैं, तो क्या होता है हमारे साथ। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, आप लोगों को भी पता चलता रहेगा और हम लोगों को भी पता चलेगा आगे कि क्या होने वाला है हमारे साथ। तो चलिए, फ़िलहाल तो रास्ता अच्छा है तो खींचते हैं और चलते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों का जो आंदोलन चल रहा है उसके तहत हरियाणा और पंजाब के सारे टोल बूथ भी बंद कर रहे हुए हैं। इट मीन्स बंद करने से मतलब वहाँ पर टोल नहीं लिया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए राइट में ये गाड़ी खड़ी किसानों की और ये उनका बसेरा बना हुआ है। मतलब प्रॉपर ड्यूटियाँ लगा रखी हैं उन्होंने अपनी और यहाँ पर बैठ कर 24 घंटे हर एक टोल पर बैठ कर वो कन्फर्म करते हैं कि कोई भी टोल बूथ वाला किसी गाड़ी से टोल ना ले। तो ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है और इतने ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं कि जिस चीज़ को आपको महसूस करने के लिए हरियाणा या पंजाब आना ही पड़ेगा और आकर देखना पड़ेगा।
अभी यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि रवि की गाड़ी थोड़ी सी ओवरहीट बता रही थी, सेंसर से यहाँ पर सिग्नल आने लग गया था क्योंकि ये जो रेडिएटर है रवि की बाइक का UAM का पूरा मड से ढका हुआ है, मैं भी यही कारण होगा गाड़ी का ओवर हीट होने का। तब आगे जाके हम लोग उसको वॉश करवाने वाले हैं तो देखेंगे कि वो क्लीन हो जाए उसके बाद में गाड़ी ओवर हीट ना हो। तो थोड़ा सा जितनी बड़ी बाइक उतनी ज़्यादा केयरिंग भी लगती है बढ़िया बाइक मिला के। बाबा मुंगीपा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर रुके हैं हम लोग, कहीं पर प्रेशर वाला तो मिला नहीं, तो ये बड़े भाई हमारे मदद कर रहे हैं, जो इनकी मोटर है उससे हम लोग पानी मारने वाले। स्टैंड लगाना भूल गया, नहीं भूला नहीं है, गड़ गया है, मिट्टी नरम थी। चलो उठाओ उठा फटाफट वाहिगुरु जी, स्टैंड मिट्टी में चला गया। और देखो विक्की भी, अपनी गाड़ियाँ भी चेक करो, अपनी गाड़ियाँ भी इसी मिट्टी पर खड़ी हैं। तो हरियाणा से राजस्थान में एंटर हुए हम लोग और क्लाइमेट हो गया थोड़ा सा चेंज, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ठंडा था और मंडी से मणिकरण के बीच में हम लोग जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर चले थे वहाँ से पूरा कीचड़ लग गया था हमारी बाइकों में। तो मेरी बाइक तो रेडिएटर है नहीं, मेरी बाइक का तो जो ऑयल रेडिएटर है बहुत ऊपर है और छोटा सा है। विक्की की बाइक एक स्पोर्ट टूरर है तो इसलिए वो ऐसी बनी हुई है कि उसमें मड उसके रेडिएटर तक गया नहीं, पर रवि भाई की बाइक में मड लग गया बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो उसको हवा थी वो ब्लॉक हो रही थी। अब यहाँ राजस्थान में जब क्लाइमेट चेंज हुआ प्रॉपर, ठंडी की जगह थोड़ी मीडियम हवाएं चलने लगी तो बाइक थोड़ी सी ओवरहीट हो रही थी, तो कोई प्रॉब्लम आ ना जाए क्योंकि रेडिएटर वाली बाइक है तो उसका रेडिएटर तो क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ रुके हैं हम लोग बाबा मुंगीपा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर, भाई ने मोटर का पाइप लगाया और लाइट चली गई अनफॉर्चुनेटली। तो विक्की अब हाथ से साफ करने की कोशिश कर रहा है उसको, वो साफ हो जाता है, लाइट आ जाती है, फोन पानी मारते हैं और फिर निकलते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ गंदी हो गई है बाइक, साफ कर रहे हैं और निकलते हैं। फिर बस बस रुक जा और उंगली लग फिरने दे, धुआं निकल रहा था क्या? हाँ गर्म है ना ये गाड़ी विक्की। हाँ मेरी बात मानेगा बेटा? क्या तू बत्तियाँ मोड़ देगा बेटा उसकी? नहीं मैं मिट्टी खिरा रहा हूँ। हाँ, मतलब इतनी ताकत लगाना कि बत्ती नहीं मोड़े, सिर्फ मिट्टी खिरा रहा हूँ मैं, ये जो मिट्टी है ना पूरी है। तो अभी मेरा ध्यान गया है कि ये जो फॉगलाइट है इसकी पार्किंग फिर से बंद हो गई अपनी, ये फॉगलाइट की पार्किंग को पता नहीं की दिक्कत है। पर एक चीज़ यार, बाइक ना अपनी पूरी लोडेड होकर कितनी शानदार लगती है। तो भाई के ढाबे पे हम लोग रुके थे, भाई ने स्पेशली पाइप तैयार करा, काटा जोड़ा लगाया, पर किस्मत नहीं थी, लाइट चली गई। चाय पिए भाई के ढाबे पे, चाय एक नंबर थी। भाई बता रहे हैं 4-5 किलोमीटर आगे वॉशिंग सेंटर है, वहाँ प्रेशर ही मिल जाएगा, हम लोगों को प्रॉपर सफाई हो जाएगी। तो यहाँ बैठ कर लाइट का वेट करना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो निकल रहे हैं यहाँ से, जाएंगे 5 किलोमीटर, भाई की बहुत मदद मिली यार। ठीक भाई, थैंक यू सो मच। तो चल रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं 5-1 किलोमीटर बाद देखते हैं आगे वॉशिंग सेंटर पर साफ करवाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो रवि को हम लोगों ने आगे भेज दिया है कि आगे प्रेशर है और यहाँ पर लाइट आ गई। किस्मत 2 कदम आगे चलती है। ओके भाई, तो राजस्थान में आ गए हैं, ये यहाँ की रेत भी हमको फील करा रही है। गुड न्यूज़ ये है, करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद रवि की गाड़ी में जो ओवर टेम्परेचर का सेंसर बता रहा था वो नॉर्मल हो गया है। मतलब रेडिएटर में जमी डस्ट जिसके कारण हुई एयर ब्लॉक और गाड़ी का कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया जिसके कारण गाड़ी गर्म हुई। जब हम लोगों ने मड साफ कर दी पानी के प्रेशर और एयर प्रेशर से रेडिएटर पूरा क्लीन कर दिया, तो 10-12 किलोमीटर जब गाड़ी चली और उसमें हवा पास हुई रेडिएटर में से, तो गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई और नॉर्मल हो गई है। तो आप टेंशन नहीं है, टेंशन वैसे भी नहीं लेते हम लोग यार, वाहेगुरु बहुत बड़ा है, वो लेके आया है, लेके जाएगा। चल रहे हैं अपने मंजिल की ओर। तो यहाँ से लेने वाले हैं हम लोग एक लेफ्ट, यहाँ से जयपुर है करीब 167 किलोमीटर, 167, और ये देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। और हमको लगने वाले हैं यहाँ से इस चीज़ के लिए करीब 2.5 से 3 घंटे,
रोड अगर अच्छा हुआ तो, फोर लेन हुआ तो उससे पहले भी कर सकते हैं। चलिए मचाते हैं धूम। तो एक बार फिर हो गया है हमारा फ्यूल कंप्लीट। तो एक बार फिर टंकी फुल करके निकल चुके हैं हम लोग। तो लक्की भाई के घर से करके निकले थे हम लोग नाश्ता, हालांकि हेवी नाश्ता था, पर अब लगने लगी है भूख। टाइम हो गया है 4:30, मे भी शायद 5 बजने वाली होगी। तो जयपुर बाईपास पर या उससे पहले कोई अच्छा ढाबा देख के रोकते हैं, फिर वहीं पर बात करते हैं। चलिए खा लिया है, खाना बहुत ही टेस्टी था। अब निकल रहे हैं यहाँ से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। चलो भाई बच्चा आ जाओ। तो लाइट चालू हो गई है और सड़क पर चढ़ने वाले हम लोग थोड़ा सा पीछे देख कर केयरफुली। हाँ, तो यहाँ से करीब 750 किलोमीटर है हम लोगों का घर। तो बस गुरु महाराज की कृपा है, अब हम हैं, रात है, बाइक है और ये रास्ता है। देखिए कहाँ तक चलते हैं, क्या होता है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं एक जगह पर जहाँ से फटाफट रहा है, जयपुर सामने बता रहा है और अजमेर राइट बता रहा है। और गूगल मैप के हिसाब से हम लोग राइट लेने वाले हैं, बिकॉज ये हमको जयपुर के बाहर बाहर से ले जाएगा। तो हम लोग भी यही चाहते हैं, बाहर बाहर से ही जाना चाहते हैं। तो ले लिया है हमने सही रूट। अब हम लोग जयपुर के बाहर बाहर से कोटा के पास से होते हुए निकलने वाले हैं। तो अभी हम लोग अजमेर हाईवे पर हैं और रुद्रम फैमिली रेस्टोरेंट पे रुके हैं हम लोग। तो खैर चाय पीने रुके थे, तो भाई जो हैं ऑनर हैं फैमिली यहाँ के रेस्टोरेंट के, और भाई ने बताया कि कश्मीर टू कन्याकुमारी की जो मुंबई का निखिल भाई ने राइड करी थी उसमें वो भी यहाँ पर रुके थे। तो एक स्पेशल प्लेस हो गई है। अगर कभी गलती से निखिल भाई इस वीडियो को देखें तो भाई आपके फैंस भी आपको फॉलो कर रहे हैं और इत्तेफाक से आपके पीछे पीछे रुकते चल रहे हैं, चाय पीते चल रहे हैं। तो बढ़िया लगा, अच्छा रहा, चाय भी बढ़िया और भाई भी बहुत बढ़िया है। अब निकलेंगे यहाँ से और 100-200 किलोमीटर चलने के बाद फिर एक ब्रेक लेंगे। रास्ते में कुछ अच्छा मिला तो कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज सीधे वहीं पे मिलेंगे फिर चाय के साथ। चलिए निकला, दाल बाटी बन रही है, बस खा के गए यार। चलो थैंक यू सो मच। तो भाई ने बहुत प्यार और सम्मान दिया, एक फ़ोटो भी हम लोगों ने साथ में क्लिक किया। और अब निकले हैं तो भाई ने चॉकलेट दी हम लोगों को एक तरह से गिफ्ट थी। भाई ने एक बात और बताई कि इधर रास्ता तो बहुत अच्छा है, मतलब रोड्स भी अच्छे हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होगा, पर जानवर अचानक आ जाते हैं रास्ते पर, तो थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है। मतलब लाइट्स ऑन रखनी है और नज़रें दूर तक रखनी है, जिससे कि कोई जानवर अगर आए तो हम लोग पहले बाइक को कंट्रोल कर सकें। चलो अच्छा है, बता दिया उन्होंने तो हम थोड़े ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, वैसे भी ध्यान रखते हैं। वन मोर टाइम रिफ्यूलिंग, इधर आगे पीछे पीछे लगाते हैं। फुल 870 रुपये का पेट्रोल आया है अपनी बाइक में और फुल हो गई है और फिर से रिलायंस मिल गया हमको। तो ये गणित लगा रहे हैं अपनी अपनी।
500 किलोमीटर कितने घंटे में आए अपन? 1 बजे निकले थे, 10 बज रही है। 9 घंटे में? जिसमें खाना भी खाया अपन ने, चाय भी पी। ओके वी हैव डन। हो गया भाई रवि, चले तो दोस्तों आ गई है हमारे रास्ते में एक और टनल। इसके पहले 3 किलोमीटर लंबी टनल हम लोगों ने हिमाचल में देखी थी, जब हम लोग मणिकरण साहब से अमृतसर साहब आ रहे थे। वो भी शानदार टनल थी, उसका तो काम चल ही रहा था, उसमें तो रोड भी नहीं बनी थी, ये तो पूरी कंप्लीट है यार। और कसम से एग्जॉस्ट अगर होता मेरी बाइक में या कोई 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर बाइक होती तो बहुत बहुत ही शानदार मज़ा आता। खैर ये टनल भी काफ़ी लंबी लग रही है, तो चलिए हम लोग करते हैं राइड को एंजॉय और आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों लाइक बटन जरूर दबा देना, मैं तो कहता हूँ अभी दबा दो यार, बाद में भूल कर जाओगे दोस्तों। तो चलिए तो दोस्तों 4 लेन से लिया है हम लोगों ने एक राइट और आ गए हम लोग सिंगल रोड पर, मतलब इसी रोड पर सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। चित्तौड़गढ़ जाना है हम लोगों को, वो जो 4 लेन था सीधा कोटा जाने वाला था, तो कोटा होकर हम लोग इंदौर होकर भी बड़वानी जा सकते थे पर वो लंबा पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग चित्तौड़ होकर मंदसौर रतलाम धार होते हुए बड़वानी जाएंगे। तो चित्तौड़ रास्ता ही है, तो काफ़ी सुनसान रास्ता है और यहाँ पर आ गया है एक रेलवे क्रॉसिंग। बिल्कुल ये भी यहाँ पर भी कोई आदमी ना आदमी की जात दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी क्योंकि रोड पूरी तरह से सुनसान है और यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है चित्तौड़, 3-3.5 घंटे लगेंगे हमें, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो जो मेन हाईवे था वो हम लोगों ने कोटा से करीब 50 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, वहाँ से राइट में चित्तौड़गढ़ का बोर्ड लगा था और गूगल भी हमको राइट बता रहा था, तो हम राइट मुड़ गए। राइट मुड़ने के बाद करीब 50 किलोमीटर तक हमको सिंगल मतलब सिंगल लेन ड्यूअल लेन रोड मिली जो सिंगल होती है, आमने सामने इस पर गाड़ियाँ आती हैं। उसके बाद में एक गांव में हम लोग एंटर हुए और बिल्कुल बिल्कुल नेरो रोड मिल गया हमको। रात को करीब 1 बजे गूगल ने हमको ऐसी जगह ले जा कर फंसा दिया कि हम लोग सोचने पड़ गए कि हमने गलती तो नहीं कर दी गूगल पर भरोसा करके। फिर एक जगह आई जहाँ से थोड़ा चौड़ा रोड मिला हमको और फिर से रीसेट करने के बाद में गूगल ने हमको करीब 4-5 किलोमीटर उस रोड पर चढ़ा के इस 4 लेन पर ला के खड़ा करा है। शायद कोटा चित्तौड़गढ़ 4 लेन है ये, और बस यहाँ से अब 40 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ रह गया है। वहाँ से मैं भी 40-50 किलोमीटर नीमच, मतलब चित्तौड़गढ़ और नीमच के बीच में MP की बॉर्डर आ जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा क्योंकि सफ़र लंबा कर रहे हैं हम लोग, सोचा था रात नहीं रुकेंगे पर आगे चल के 1-2 घंटे का ब्रेक लेने वाले हैं, तो पहुँच जाएंगे कल सुबह सुबह पहुँचेंगे, देखें कितनी बजे पहुँचते हैं। आप लोग यहीं साथ में, कुछ विशेष तो नहीं है इस वीडियो में पर जर्नी लंबी है और जर्नी के शौकीन लोग जो हैं उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए रवि ने और विक्की भाई ने मुँह वगैरह धो लिया है, यहाँ से चलते हैं चित्तौड़ के आगे कहीं रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे फिर बात करेंगे। चलिए तो यहाँ रुके हैं हम लोग, थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खाएंगे और जिसको कमर सीधी करनी है वो कमर सीधी कर लेगा। खाना लग जाएगा ना भाई, चावल मिल जाएंगे चावल। हाँ बढ़िया। तो नीमच चित्तौड़ हाईवे पर आशीर्वाद ढाबे पे हम लोग रुके हैं क्योंकि थोड़ी सी कमर सीधी करने की ज़रूरत लग रही थी। अभी यहाँ से करीब 400 किलोमीटर बाकी है अपना घर, 1050 किलोमीटर चलना था, 650-700 किलोमीटर चल चुके हैं, 350-400 किलोमीटर और चलना है। कंटिन्यू अगर चलते रहते हैं तो सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाते हैं, पर अब 1-2 घंटे का ब्रेक ले लिया है तो और 1-2 घंटा लेट हो सकते हैं। जो भी होगा आप लोग साथ में ही हैं, आपको पता ही चल रहा है, तो गाड़ियों को भी थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। और इंटरकॉम भी विक्की भाई और मेरे दोनों के पूरे डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो 1-2 घंटा वो भी चार्ज हो जाएंगे, तो हम लोगों की बातें चलती रहेंगी, नींद भी नहीं आती, सेफ भी रहता है और टाइम पास भी होता रहता है। 1 आवर लेटर तो अभी हम लोग यहाँ रुके थे, खिचड़ी वगैरह खा ली, चाय वगैरह पी ली हम लोगों ने, और उसके बाद में मैंने भाई लोगों से बोला कि अगर तुमको चाहिए तो 1 घंटे की नींद ले लो क्योंकि नींद में बाइक चलाना बहुत रिस्की होता है। मुझे नहीं नींद लग रही थी तो मैं जाग रहा हूँ, वो लोग सो रहे हैं। हालांकि ढाबे वाले भाई ने मुझे बोला कि सर आप भी सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देख रहे हैं सामान, पर ऐसा है कि पहले आप लापरवाही खुद करो और बाद में नुकसान हो जाए तो फिर उसके बाद में दूसरों की गलती निकालते रहो, ये सही नहीं है। लापरवाही खुद मत करो, अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखो,
भाई लोग ले रहे हैं पावर नैप, उनकी पावर नैप कंप्लीट होती है, उनकी एक झपकी कंप्लीट होती है 1.5 घंटे की, फिर निकलेंगे यहाँ से, आराम से जाएंगे, जाना सुरक्षित है, बढ़िया जाना है, जल्दीबाजी हड़बड़ी नहीं करनी है। तो चलो भाई लोगों की नींद पूरी होती फिर निकलेंगे यहाँ से। 2 hours later तो चाय वगैरह पी ली है, भाई लोगों की पावर नैप भी हो गई है, अब बस स्टार्ट कर रहे हैं, निकलेंगे यहाँ से। मैं भी अब एक आध टी ब्रेक और रास्ते में लग सकता है, क्योंकि अभी 390 किलोमीटर है यहाँ से, एक फ्यूल ब्रेक लगेगा और बाकी चलते रहेंगे। चलो भाई लोगों, ओके भाई, ढाबे वाला भाई था, बढ़िया था वो भी। और बस अब थोड़ी सी देर में MP में एंटर होंगे, राजस्थान की रेत हर जगह देखने मिल रही है। तो फाइनली 10 दिन बाद वापस अपने MP में आ रहे हैं हम लोग, और नाउ वेलकम इन MP, मध्य प्रदेश की सीमा आ चुकी है, हम लोग MP में एंटर हो चुके हैं। जो पहला बड़ा शहर आने वाला है इस रोड पर वो है नीमच, नीमच के बाद आएगा मंदसौर। तो एक बार फिर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और 11वें दिन का सूरज चढ़ चुका है हमारी राइड के, पर इसका अलग वीडियो नहीं बनने वाला है, इसे मैं जोड़ूंगा हमारे 10वें दिन के वीडियो में ही। हिसार टू बड़वानी का एक ही वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमने कोई नाइट स्टे नहीं करा। नीमच बाईपास से हम लोग निकल चुके हैं, मंदसौर बाईपास पर पहुँचने वाले हैं। इसी स्पीड से चलते रहे तो मैं भी करीब 5 घंटों में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो बढ़िया है, अच्छी स्पीड है, अच्छी विजिबिलिटी है, फॉग तो है पर अच्छी विजिबिलिटी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाएंगे हम लोग घर। वन मोर रिफ्यूलिंग, शायद ये हमारी इस राइड की आखिरी रिफ्यूलिंग है, इसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो रही है, क्योंकि वो शॉकअप में ऑयल लीक हो रहा है और हर डचके में वहाँ से ऑयल निकल कर पूरी गाड़ी पर लग रहा है। चलो करवाते हैं रिफिलिंग और निकलते हैं यहाँ से। फ्यूल कंप्लीट हो गया है और अब नाश्ता करने का गणित जमा है, नाश्ता करेंगे। इसके मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, इसकी भाई को कहीं पर नाश्ते की दुकान दिखी है बढ़िया। मेरी चेन ढीली हो गई है और अब खैर 200 किलोमीटर, 225 किलोमीटर बचा है, तो जो भी करवाना है अब घर जाके करवाएंगे अपनी बाइक को। MP के पोहे बड़े याद आए यार, 7-8 स्टेट घुमाए हम, और यहाँ पर है कचौरी और पोहा। तो वहाँ से हम लोगों ने पोहा, कचौरी, आलू बड़ा, जलेबी, चाय सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। मैं भी अब शायद सीधे हमारा ब्रेक जो है वो घर लगेगा। अब मैं घर ही रुकना चाहूँगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ी रास्ते में तो किसी कारण से। सब्सक्राइबर्स जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते रहते हैं वो इस रास्ते को पहचान गए होंगे। जी हाँ, रवि की बाइक लेके मैं मेरे पर्सनल काम से एक दिन गया था, एक वीडियो है, फर्स्ट टाइम राइड UM रेंजर, वो रास्ता यही है, यहीं से गया था मैं। और घर से अब केवल 90 या 100 किलोमीटर दूर रह गए हम लोग, मैं भी 1 या 1.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम हमें। तो फाइनली पहुँच चुके हैं बड़वानी। टाइम हो रहा है 12:00 PM। सुबह सुबह आने का हम लोगों का प्लान था, मतलब टारगेट था कि सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, पर जो रात में हम लोगों ने आराम किया, 2-3 घंटे सोए थे, तो उसके कारण हम लोग लेट हो गए 2-4 घंटे। पर देर आए दुरुस्त आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जा रहे हैं यहाँ से सीधे गुरुद्वारा साहब, वहाँ बाहर से ही माथा टेकेंगे और शुक्र करेंगे उस परमात्मा का। यूनिक नज़र आ रहा है यहाँ पर, अरे तो पूरे स्वागत की तैयारी। अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, बधाई हो भाई,
तो करीब 1100 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करी 24 घंटे में हमने, जिसमें करीब 6 से 8 घंटे हमने आराम भी करा टुकड़ों में, कहीं पर 1 घंटा, कहीं पर 2 घंटे, कहीं पर 3-4 घंटे। तो वीडियो में आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी। और जब बड़वानी पहुंचा तो इतना शानदार स्वागत होगा इसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम थी। तो मेरे बड़े भाई लोग और मेरे भाई लोग, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल जो, इन लोगों ने शायद प्लान करा है और अल्टीमेट स्वागत हो गया। आपने वीडियो में देखा है उम्मीद से 100 गुना ज़्यादा। तो वीडियो तो शानदार रहा ही होगा, इसकी एंडिंग उससे भी शानदार रही है। तो बस लाइक तो बनता ही है यार, भाइयों के लिए, बड़े भाइयों के लिए लाइक तो बनता है, लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब भी करना है। इसको बहुत जल्दी रहती है मेरा वीडियो खत्म करने के। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब राखा, बोले सो निहाल, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।